नमस्कार दोस्तों, आप सभी गार्डन लवर्स व प्रकृति प्रेमियों का मेरे चैनल गार्डन सीक्रेट्स पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो पौधा लाया हूँ बहुत ही खास और बहुत ही खुशबू वाला पौधा है दोस्तों। ऐसे तो आम भाषा में इसको मधुमालिनी, मालती आदि नामों से जाना जाता है, पर इसका वैज्ञानिक नाम इकाइट्स कारियोफाइलाटा है। कुछ लोग इसे इचिट के नाम से भी जानते हैं। ये एपोसिनेसी परिवार से बिलोंग करता है दोस्तों। यह मुख्य रूप से मेक्सिको, मध्य अमेरिका और फ्लोरिडा का मूल निवासी है। इसे हम अपने घरों में श्रब्स या वाइन के रूप में लगा सकते हैं। श्रब इसको ऐसे रख सकते हैं कि जब अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़े तो इसकी कटिंग करके इसको आप छोटा भी रख सकते हैं। और इस पर ये जो फूल खिलते हैं ये हेलीकॉप्टर के आकार के होते हैं, तो इसको कहीं कहीं हेलीकॉप्टर वाला फूल भी कहा जाता है। इसके फूलों में बहुत ही मादक खुशबू होती है। और इसके पत्तों की बात की जाए तो पत्ते इसके एकदम ग्रीन, लश ग्रीन होते हैं और हल्के से नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। और इसको देखेंगे तो बहुत ही एट्रैक्टिव। ये देखिए, ये फूल मुरझा गए हैं और ये कलियां हैं जो अभी खिलने को बेकरार हैं। और इनके फूल वाइट कलर के, सेंटर येलो होता है। और खुशबू तो इतनी मादक होती है दोस्तों कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्वीट स्मेल इसकी होती है। इसकी स्मेल आप लेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे दोस्तों। कुछ क्लोव यानी कि लौंग से मिलते जुलते इसकी खुशबू है दोस्तों। इसकी सारी टहनियों पे फूल आ चुके हैं। आप में से जिनको खुशबू पसंद है वो इसे ज़रूर लगाएं दोस्तों। मेरा दावा है कि आप कई कारणों से इस पौधे से प्यार करने लगेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको 12 इंच के गमले में लगा के रखा है और इसकी टहनियों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 साल पुराना है। इसके रख रखाव की बात की जाए तो ये बहुत रफ़ एंड टफ प्लांट है। रफ़ एंड टफ प्लांट कहने का मतलब इसमें बहुत नखड़े नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा पानी, कम पानी, ये सब कुछ नहीं है। बस इसकी मिट्टी आप जो बनाइएगा वो भुरभुरी बनाइएगा, जैसे कि पानी इसमें ज़्यादा टिके ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और अगर इसमें कीटों की बात की जाए तो कीट इसमें जल्दी लगते ही नहीं हैं। मैं 2 साल से इसको देख रहा हूं और ये प्यारे प्यारे फूल इस तरह से देता है। इसका जो एक्टिव ग्रोथ होता है वो मार्च अप्रैल से शुरू होता है और पूरे ये ठंडी के पहले तक, यानी कि मान लीजिए नवंबर तक इसमें एक्टिव ग्रोथ रहता है। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। और इसके फूल जब आते हैं तो ढेर सारे फूल गुच्छों में आते हैं। तो ये आपका घर आंगन ही नहीं, आपके पड़ोस का भी घर आंगन महका देंगे। और आपके पड़ोस वाले आके पूछेंगे कि आपने क्या लगा के रखा है, मुझे भी बताएं। तो अगर ये प्लांट आपको लगाना है तो आप नर्सरी में विजिट करके इस प्लांट को ले सकते हैं। मधुमालिनी और मालती नाम से नर्सरी वाले इसको जानते हैं। या तो इसकी पत्ते की फ़ोटो खींच लीजिए या तो फूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको भी दिखा के आप नर्सरी से ले सकते हैं ये पौधा। और नहीं तो अगर आपके किसी परिचित के पास है तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और ठंडी इसके लिए डोरमेंसी का पीरियड होता है दोस्तों, तो ठंडी में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ठंडी में बहुत खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और खाद से ध्यान आया कि आप इसमें अगर रासायनिक खाद देना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 या 20-20-20 दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाकर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं बचे हुए पानी को। और नहीं तो आप सरसों की खली को भी दे सकते हैं उसका लिक्विड फॉर्म में। और प्याज, केले का भी छिलके का लिक्विड फॉर्म में इसमें दे सकते हैं खाद आप।
इतने से ही इसमें खूब सारे फूल आएंगे और आपके घर आंगन को महका देंगे। तो इसकी केयर में आपको बहुत परेशानी नहीं करनी है, इसका केयर बहुत आसान है क्योंकि ये रफ एंड टफ प्लांट है, इसमें जल्दी कोई रोग नहीं लगता। इस प्लांट को मैंने अपने क्लेमेटिस प्लांट के बगल में लगा के रखा है, चूँकि एक दूसरे को पकड़ के ये आगे बढ़ते रहें, और मैंने इसके लिए एक सीढ़ी टाइप का तैयार किया था लकड़ी से, जो कि टूट गया, इसलिए मेरा ये प्लांट जो है कुछ नीचे आ गया है। इसको मैं फिर से बनाऊंगा और उस पर चढ़ा दूंगा जैसे ही ऊपर और ऊपर जाए। और देखिए इस समय क्लेमेटिस भी मेरा खिला हुआ है और उसी के बगल में ये भी खिला हुआ है, ये देखिए दोनों अगल बगल ही रखे हुए हैं पॉट्स। और कलियां तो इसमें इतनी आ रही हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं ढेर सारी कलियां आती जा रही हैं। धूप की बात की जाए दोस्तों तो सनलाइट इसको चाहिए, और 4 से 5 घंटे आप इसको लगातार धूप दीजिए, जिससे ये ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। और गर्मी के टाइम इसको धूप से थोड़ा बचाना होता है या पानी का ध्यान देना होता है, क्योंकि पानी सूख जाता है गर्मी में और पत्ते इसके एकदम मुरझाए लगते हैं, तो आपको पानी का ध्यान देना होगा, या तो इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा, या तो ऐसे जगह ऐसा लोकेशन दीजिए अपने जगह पर जहां पर धूप 3 से 4 घंटे सुबह की लगे, उसके बाद धूप ना लगे, तो ये आपको ब्लूम्स देता रहेगा। और इसके फूल के साथ ही मैं इसके पत्तों की बात करूंगा दोस्तों, इसके पत्ते बड़े प्यारे लगते हैं, और जब फूल नहीं रहते हैं तो भी इसके पत्ते एकदम एवरग्रीन लश ग्रीन रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, थोड़े से झुके हुए ओवल शेप में रहते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसके फूल भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं और उनको प्रिय भी हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी भी है जो पुराणों में मिलती है, कि जब गोपियां खोजती थी कि भगवान कृष्ण कहाँ गए, तो पता चलता था भगवान कृष्ण इसी पेड़ के पास रहते थे, उनको इसके फूल और ये पेड़ बहुत प्रिय थे, इसीलिए वो इसके पास जाते थे और इसकी खुशबू ज़रूर उन्हें लुभाती होगी, इसीलिए वो खींचे चले जाते होंगे। तो आज भी लोग पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण को इसके फूल अर्पण करते हैं, तो इसके फूल बहुत ही उपयोगी भी हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको इस प्लांट से संबंधित या किसी भी प्लांट से संबंधित कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास मिले और आप उस वीडियो को देखें। और इसको शेयर भी करिए दोस्तों, जैसे और भी लोग इस प्यारे से प्लांट के बारे में जानें और इसको लगाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।